आज भारत किसान उनकी तरफ से ज्ञापन दिया डीसी साहब को, पोखरखेड़ी गांव का सुरेंद्र सुनो भल्ला वो विनिर्माण ईशा आंदोलन से बहन पहले से भी कंडेला कांड रहा था अपने, मतलब 2000 में उस टाइम भी वो जुड़ रहा था आंदोलन में, तो वो 8 महीने रहा था ना भाई, 8 महीने रहने के बाद वो मतलब वापिस आता घर और रास्ते में उसकी डेथ होगी, तो उस टाइम पोखरखेड़ी का भी वहाँ मतलब टेंट लगाया हुआ था पकौड़ा चौक पर, टिकरी बाडर पर रामरा का भी जो नोगम जितने थे उस टाइम में, मान ले कोई इतना जो मैन आदमी थे किसान उनके कार्यकर्ता हुआ वहाँ दिल्ली थे उस टाइम में, मतलब ये रह गया था उसका सूची में नाम डलवाया नहीं। फिर राजेश न भाई ने रामरा तो नोगम का खाप का प्रधान है, इन्होंने पता लगाया कि भाई ये इसकी बातचीत भी हुई जो है पैसे दिए हैं अपन जीन जिला में 18 की सूची दी सही तो है कि उनमें 18 ने पैसे मिल लिए, उसके बाद राजेश ने पता लग गया तो इसी फिर इसमें ज्ञापन दिया डीसी साहब को। ये था वो मतलब रास्ते में मतलब कुछ बीमार था क्या था, कई किसान तो ऐसे थे जिस तरह ओला आ गया बरसात आ गई गर्मी और वहाँ बीमार हो गए, तो बीमार हो रहा था वहाँ पर, वो बीमारी के कारण रास्ते में उसकी मौत होगी जुलाना के पास। मेरा नाम रामराज जी, जिला प्रवक्ता भारतीय किसान जी। आज डीसी साहब से मिलने आए थे और डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, हमारे गांव जो नोगामा का एक गांव है पोखरखेड़ी, यहां से किसान शहीद हुए हैं सुरेंद्र सिंह नाम है उनका, और ये 15/11/2021 को आंदोलन से वापस लौट रहे थे, करीब 8 महीने आंदोलन में शामिल रहे, लेकिन ये पता नहीं किस वजह से शामिल नहीं हो पाए सूची में, जो अभी 5-5 लाख रुपये BJP की तरफ से दिए गए हैं तो उनको वो मिले नहीं हैं क्योंकि वो सूची में शामिल नहीं थे, तो आज डीसी साहब को ज्ञापन देके उनको सूची में शामिल करवाने के लिए कहा है, और डीसी साहब ने भी DRO को मार करके ये कह दिया कि 78 लोगों की जो सूची बनी हुई है उनमें वो शामिल किए जाएंगे।